ये रहा बॉक्स, ऊपर से कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो चलिए कैट का जो स्टडी मटेरियल आया है आईएमएस की तरफ से, इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं। के 12:23 हुए हैं, तो अभी कॉल आया कि जो आईएमएस का मेरा स्टडी मटेरियल है वो यहीं के आसपास आ गया है, तो 5-10 में वो यहाँ लोकेशन पे पहुँच जाएंगे। तो एक्साइटमेंट है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो बुक्स हैं वो कहीं कोरियर से आ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटमेंट है। अभी फिर से फ़ोन आएगा तब जाके बुक लेके आता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि आईएमएस से मुझे क्या क्या आया है स्टडी मटेरियल। भले ही बुक आया हो कोरियर से, लेकिन अपने नाम से कोई कोरियर आता है तो अच्छा एक्साइटमेंट होता है तो बुक ही, लेकिन पहली बार ऐसे कोई कोरियर से आया और फ़ोन आया कि आपका कोरियर आया है, तो बस एकदम बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे मुंबई में मैं चौल में रहता हूँ तो यहाँ पे एड्रेस तो मिल ही नहीं पाता, लेकिन वो एग्जैक्ट परफेक्ट जगह पर आ गया था जो मैंने लैंडमार्क दिया था, साई मंदिर वहीं पर आ गया था, तो मैं लेके आ गया हूँ। तो अब इसे अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो ये है बॉक्स जो पहले ऊपर से तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर नाम वाम लिखा है, लेकिन अभी बारिश है और मुंबई की बारिश तो आप जानते होंगे, इसलिए इन्होंने प्लास्टिक भी ऊपर लगाया हुआ है, फुल सेफ्टी से तो है। देखते हैं अंदर क्या क्या है। ये रहा बॉक्स, ऊपर से कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो चलिए कैट का जो स्टडी मटेरियल आया है आईएमएस की तरफ से, इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग पहली बार कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा खुशी हो रहा है। देखते हैं इसमें क्या क्या है। यहाँ पे सब उनका एड्रेस दिया हुआ है, जो उनका मुंबई में हेड ऑफिस है उसका यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे सब मेरा डिटेल है। तो चारों तरफ से कुछ इस तरीके से बॉक्स है जो उनके और जो जो कोर्सेज देते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा है, कैट CAT CMAT GMAT और ये सारी चीज़ें, क्योंकि IMS में बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, तो मैंने कैट का लिया है। तो आइए देखते हैं। और जैसे कि बचपन में भले हमें पढ़ना हो ना पढ़ना हो, हमारे जो नए नए बुक्स आते थे तो एक एक्साइटमेंट रहता था, वैसा ही आज भी एक्साइटमेंट है। तो बुक ही हम जानते ही हैं, लेकिन कैसे हैं वो देखते हैं पहली बार। तो सबसे पहले प्लास्टिक जो ऊपर था वो निकाल लिए, क्योंकि बारिश का टाइम है तो प्लास्टिक में था, अच्छी बात है, नहीं तो मुंबई में तो जो बारिश होती है, यहाँ पर बारिश जाती नहीं है, सिर्फ स्लो और फास्ट होती है। तो ये ओपन हुआ हमारा बॉक्स, मतलब मज़ा आ रहा है खोलने में, बाकी पढ़ने में क्या होगा उसका तो पता नहीं। और ये रहा सबसे पहला लुक हमारे आईफोन का। देखते हैं इसमें है क्या क्या। सबसे पहले तो ये है, और इसमें सब मॉड्यूल 1 के प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्यूशन ये सब है, ये आप देखो उसका ऊपर से कुछ ऐसा लुक है। तो अभी तो जो सेट है उसको निकाल के रखते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि इन सेट के अंदर जो बुक्स हैं वो कैसे कैसे हैं। और अब ये बी पार्ट, ये वाला ए पार्ट है, यहाँ पे उन्होंने ए लिखा है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट बी का सेट कुछ इस तरीके से है। ये देखो आप, मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 मॉड्यूल 4 मॉड्यूल 5 प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्यूशन, तो ये पूरा इस तरीके से दिख रहा है ऊपर से, देखने में तो ज़बरदस्त लग रहा है। हो चाहे जो आगे, वो तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा जब पढ़ाई होगी इसकी, लेकिन देखने में तो गजब लग रहा है, पैकेजिंग तो खतरनाक करते हैं। तो इस तरीके से कुछ है, तो बॉक्स को मैंने साइड में कर दिया है। अब इसमें एक साथ में आप देख लो सारी चीज़ें, ये रहा ये पूरा सेट है, पूरा सेट आप एक साथ देख रहे हो, तो 5 सेट हैं, तो ये पूरा कोर्स रहा। अब इनको एक एक करके देखते हैं, प्लास्टिक से मैं निकालता हूँ।
पैकेजिंग तो खतरनाक है। तो ये निकल गए, सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। तो ये रहा, ये है इसका लुक, जो टेक्स्ट बुक है उसका। सब डिटेल में बाद में देखेंगे, वीडियो में डालता रहूँगा। आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्लासेस से रिलेटेड, कैट से रिलेटेड जो भी मुझे पता चलेगा वो शेयर करता रहूँगा, जिससे जो और कैट एक्सपीरियंट हैं उनसे मुझे हेल्प हो और मुझसे आपको हेल्प हो। तो ये देखो आप, स्पीड मैथ का है, उसके बाद बाहुबली है, उसके बाद ये है प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्यूशन, और फिर ये एक मोटी बुक है। तो ये वाले सेट में जो पतला वाला था उसमें ये चार बुक है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो अब इस मोटे वाले को खोलते हैं और देखते हैं इसमें। वैसे हालांकि यहाँ से तो पता ही चल गया है क्या क्या है, लेकिन फिर भी इसको भी ओपन करते हैं। सारी नई नई चीज़ें देखने में अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट बना रहता है। और ये देखो बॉक्स क्या जबरदस्त तरीके से है। तो यहाँ पे रखते हैं, और ये जैसा कि मैंने पहले दिखाया बुक पूरा ऊपर से सेट। और अब एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये मॉड्यूल 5 का है, फिर मॉड्यूल 4 का, फिर मॉड्यूल 3 का, मॉड्यूल 2 का, एक प्रैक्टिस, और ये कि टेक्स्ट बुक पहला इसमें हमने देखा था। उसके बाद ये मॉड्यूल 2 का है, और उसका ये प्रैक्टिस वाला, मॉड्यूल 3 का, और फिर मॉड्यूल 3 का प्रैक्टिस, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 4 का प्रैक्टिस, मॉड्यूल 5 और मॉड्यूल 5 का प्रैक्टिस। तो ये रहा पूरा सब कुछ जैसा कि आपने देखा यहाँ पे, और ये मॉड्यूल 1 का। तो ये सब थे पूरा सेट जो मैं आपको एक साथ दिखाता हूँ। अगर मैंने अच्छे से दिखाया है तो वीडियो को लाइक करना, और कैट प्रिपरेशन आप भी कर रहे हो जैसे मैं कर रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अच्छी अच्छी चीज़ें एक दूसरे से शेयर करके सीखेंगे और मज़ा आएगा, इंजॉय करके पढ़ते हैं, बाकी जो होना है उसको होगा ही। तो ये रहा पूरा सेट जो आप देख रहे हो, ये तो बॉक्स है, ये भी बॉक्स है, और ये सब बुक, और ये बड़ा वाला बॉक्स जिसमें आया था। तो आज की इस वीडियो में हमने अनबॉक्सिंग किया है, अब इसकी पढ़ाई भी करेंगे और बहुत सारी चीज़ें क्लासेस से रिलेटेड जो मुझे पता चलता है। अगर किसी ने क्लास नहीं लगाया है, मतलब जो बीकर सेक्शन से आते हैं उनको जो भी इन्फॉर्मेशन देना होगा, मुझे जो भी मुझे पढ़ने से रिलेटेड आता रहेगा वो बताने में मुझे बेहद खुशी होगी। तो और जो मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं पढ़ने में, उनसे अगर वो अगर चैनल के थ्रू मुझसे जुड़ेंगे तो उनसे मुझे सीखने को मिलेगा। तो ये वीडियो बनाने का, ये अनबॉक्सिंग करने का, और एक ब्लॉग तरीके से वीडियो है, ताकि हम जो लोग पढ़ाई करते हैं वो भी एक कम्युनिटी की तरह जुड़े रहें। और हर स्टूडेंट एक फील्ड में एक्सपर्ट हो नहीं सकता, लेकिन हम सब अपने अपने किसी ना किसी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, कुछ ना कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा होता है, तो अगर हम वो शेयर करेंगे तो बढ़ेगा भी और फिर मज़ा भी आएगा। क्योंकि अकेले तो बहुत बोरिंग होता है पढ़ना लिखना, लेकिन ग्रुप में रहते हैं तो ग्रुप स्टडी हो जाती है, और ऑनलाइन मैंने कोर्स लिया है तो घर पर अकेले बैठ के पढ़ना है, तो कहीं आना जाना तो है नहीं। तो वीडियो डाल रहा हूँ ताकि और लोग मुझसे जुड़ें और मैं उनसे जुड़ूँ और हम एक साथ सीखें। तो आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी अगले ब्लॉग में या फिर वीडियो में कैट से रिलेटेड स्टडी को लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।